Uma Kole. I'm a consultant ENT surgeon and a laryngologist at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Mumbai. So laryngologists are doctors or surgeons who basically treat voice, soloing and airway issues. Voice kaise kharab hoti hai? Voice kharab hone ke liye bahut sare karan hai. So, जब वोकल फोल्ड्स या स्वर पेटी जो अपने पास दो रहती है, वोकल फोल्ड जब साथ में आते हैं तो हम बात करते हैं या आवाज निकलती है. सो वॉइस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वोकल फोल्ड्स क्लोज टुगेदर एंड दे ऑल्सो वाइब्रेट एज वेल एज दे वाइब्रेट इन सिमेट्री. सो जब ये वाइब्रेशंस एब्सेंट होते हैं या फिर वोकल फोल्ड साथ में नहीं आ पाते हैं या फिर असिमेट्री है तो आवाज में बदल हो सकता है. एक्यूरेट डायग्नोसिस लीड्स टू अ परफेक्ट ट्रीटमेंट. सो जब आवाज बदली हुई लेके पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले हिस्ट्री पे जोर देते हैं. सो we ask a lot of questions when the patients come to us with change of voice. usme awaaz kab se badli hai, kyun badli hai, kis koi cheez karne ke baad badli hai, ye hum janna chahte hain. voice quality bhi hum dekhte hain. uske baad hum procedure karte hain jisko laryngoscopy ya stroboscopy bolte hain. so laryngoscopy aur stroboscopy kya hota hai? to ye ek दूरबीन का जांच है जो हम कैमरा डाल के देखते हैं जिसमें वोकल कॉर्ड्स या स्वर पेटी जब साथ आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, उस पे कोई लीजन है क्या या असिमेट्री है क्या, ये सब हम चीजें देखते हैं. उसकी वजह से हम एग्जैक्ट या एक्यूरेट डायग्नोसिस पे आ सकते हैं. सो जब हम परफेक्ट डायग्नोस करते हैं उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं. सो ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होती है? तो एक बार डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, आइदर वॉइस थेरेपी या फिर सर्जरी. सो वॉइस थेरेपी क्या होता है? जो हम वॉइस थेरेपिस्ट के पास भेज के उनको एक्सरसाइजेस देते हैं और उसकी वजह से कुछ लीजन्स ठीक हो जाते हैं. बट अगर वॉइस थेरेपी काम नहीं करता है तो हमको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है. सर्जरी दो टाइप के होती है, आइदर लेजर या कोबलेशन के साथ या फिर कोल्ड स्टील. तो सर्जरी जैसे मैंने आपको बोला, आइदर लेजर से होती है, कोबलेशन से होती है या कोल्ड स्टील से होती है. लेजर सर्जरी या कोबलेशन सर्जरी ये टूल है जो कोई भी लीजन हमको निकालने में हेल्प करता है. बट वही चीज हम कोल्ड स्टील या सादे इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं. सो जब लेजर यूज करते हैं तो ये सर्जरी फास्ट होती है और उसका हीलिंग अच्छी तरह से होता है. कोबलेशन और लेजर कब यूज करना है ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है कि लीजन कितना बड़ा है. लेजर से अच्छा रिजल्ट आएगा या कोबलेशन से अच्छा रिजल्ट आएगा. थैंक यू.